देखे थे, स्लोप ऑफ द कर्व, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, राइट। और हम लोग एक और चीज देखे थे, d by dx of x to the power n, ये क्या होता है, nx to the power n minus 1, nx to the power n minus 1। सर, हाँ, आपने वो लॉग और लैंड के तो कुछ फॉर्मूले थे वो नहीं बताया? नहीं, मतलब वो आज मैं कवर कर लूंगा, सारे फॉर्मूले मैं आज कवर कर लूंगा। ओके सर, मतलब जो काम का चीज है वो हम लोग कवर कर लेंगे आज। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1। क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, अगर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ k, ये k आगे आ जाता है और फॉर्मूला सेम रहता है, nx टू द पावर n माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट 5, 3, 4 जो भी रहे, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो बेसिकली ये वाला जो है ना, सेकेंड वाला, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट होता है उसको मैं डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिख सकता हूँ और वापस से वही पहुंच जाएगा। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 5x² + 6x, चलो एक ही करके लेते हैं पहले, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब टू डिफरेंशिएट 5x⁻¹। क्वेश्चन 3, डिफरेंशिएट x टू द पावर माइनस 8, डिफरेंशिएट 1/x। क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट x टू द पावर 1/6x⁻³/2। इन सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बस तुमको नॉर्मल रूल लगाना है। सर, मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया है पहले से। हाँ, तो फिर तुम लीव कर सकते हो, ये जिनका नहीं हुआ बस उनके लिए कवर अप। नहीं सर, पर उसके पहले वो जो फॉर्मूले थे ना लॉग और लैंड के, वो नहीं हुए। वो बस, मतलब तुमको बस फॉर्मूला का काम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज ln एक्स इज 1/x, बस तुमको इसका काम है, और कुछ काम नहीं है। ओके सर, मतलब उतना ही है बस। हाँ, बस उतना ही है। और जो पूरा लॉगरिथम वाला पार्ट है ना, जो लॉग में मैं पढ़ा होता हूँ, लॉग b टू द बेस है, वो सब चीज आज हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज मैथ्स में कवर होगा। ओके सर, मतलब आपने वो ये मतलब फिजिक्स में पढ़ा है नहीं ना सर, वो लॉग का? नहीं नहीं वो मैं पढ़ाया था, लेकिन अब वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो तो अब तुम्हारा मैथ्स में आ जाएगा तुरंत में। okay. तो मैथ्स में वो तुम्हारा कवर अप हो जाएगा, मैथ्स में ज्यादा डिटेल्स में जाएगा वो, फिजिक्स में हम लोग उतने ज्यादा डिटेल्स में नहीं आते इसलिए, ठीक है? तो तुम लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो, ऐसे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। ओके सर, देखता हूं। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास रूल क्या है, 3x², ठीक है, n x टू द पावर n माइनस 1 है, तो n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3, तो n x टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 3x², n की जगह 3 था, तो बस n की जगह 3 पुट कर दो फॉर्मूला में, तो आ जाएगा n 3x टू द पावर n माइनस 1। सेम चीज 5 को वैसे ही छोड़ दो, n की जगह क्या है, 9, तो 9 x टू द पावर 9 माइनस 1 दैट इज 45x² + 8।
5 9 45। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें अभी, या सबको समझ में आया क्या करना है? यस सर समझ। ओके, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो अभी, फिर बाकी एग्जांपल्स हम लोग साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? एक्स टू द पावर माइनस एट, मतलब एन की जगह माइनस एट है, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस एट माइनस एट वन, दैट इज माइनस एट एक्स टू द पावर माइनस नाइन। तो बेसिकली देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को सामने मल्टीप्लाई करो और पावर को वन से घटा दो, वही आंसर आ जाएगा। पावर को सामने मल्टीप्लाई करो और पावर को वन से घटा दो, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये आ गया माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है वन अपॉन सिक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन सिक्स एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू लिखा हुआ है, तो आ जाएगा वन अपॉन सिक्स इंटू माइनस थ्री बाई टू एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई टू। सही है सबका? Yes. सर सिक्स ऊपर नहीं आएगा? सिक्स ऊपर क्यों आएगा? सिक्स तो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है उसको तो वैसे ही बाहर निकाल दो बस, कांस्टेंट से तुम्हें कुछ कर नहीं करना है। सर ये मल्टीप्लाई होगा कि इधर ही 1 बाय 6 इनटू, हां ये मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा आ जाएगा, इसको काटो तो 3 से ये 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 4 एक्स टू द पावर माइनस 5 बाय 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके सर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे। कोई कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। मिताली फाइन, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंशिएट। अच्छा अब देखो, जो चीज टी एक्स के साथ हो रहा था वही चीज टी के साथ होगा, सेम चीज। टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेम तरीके से, बस एक्स की जगह टी है और कोई डिफरेंस नहीं है। थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस फाइव, प्लस फाइव नहीं, प्लस फाइव, फाइव को तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना। हाँ 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 ठीक है, तो टी क्यूब का हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर का हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आंसर। और फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट डी बाई डी जेड ऑफ जेड टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर थ्री प्लस फाइव जेड क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव जेड क्यूब, नहीं प्लस जेड टू द पावर जीरो पॉइंट थ्री फोर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हो जाएगा तो बताना। ठीक है, z टू द पावर माइनस थ्री क्या हो गया? माइनस थ्री z टू द पावर माइनस फोर,
ये भी z टू द पावर माइनस थ्री लिखा हुआ है सेकंड वाला टर्म, तो फिर से हो गया माइनस थ्री z टू द पावर माइनस फोर प्लस 15 z स्क्वायर प्लस 0.34 z टू द पावर कितना आएगा? माइनस 0.66 माइनस 0.66 सही है, किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, अब यहाँ पर देखो जो वेरिएबल यहाँ है ना वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, वही दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, ये हमें बस इंश्योर करना है। अगर नहीं होगा तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल्स सर, वो माइनस थ्री और माइनस थ्री का कुछ नहीं होगा, माइनस थ्री जेड टू माइनस फोर नहीं, इसको यहाँ लिख दिया ना, वो तुम ऐड कर सकते हो, माइनस सिक्स जेड टू द पावर माइनस फोर प्लस 15 जेड टू द जेड स्क्वायर प्लस 0.34 जेड टू द पावर माइनस 0.66 ये तुम ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन को, मतलब वैसे ही छोड़ रहा हूँ, वो तुम लोग कर लोगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट रूल्स, ये तुम लोग को याद करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स दिस इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x this is sec x tan x, differentiation of cot x this is minus cos x. अच्छा by the way तुम लोगों का एग्जाम कैसा गया जो विल्फ्रेड वाले हैं? easy था, आसान था। okay differentiation of cos x is माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये तुम लोग को याद रखना है। इसमें बस इतना तुम लोग याद रख सकते हो क्योंकि जो भी चीज सी से स्टार्ट हो रहा है उन सारे के डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है, बाकी चीज तुम लोग को याद करना पड़ेगा, उन सारे के स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस तुम यहां से याद रख सकते हो, बाकी तुमको याद करना पड़ेगा। Differentiation of e to the power x is e to the power x. A to the power x is a to the power x ln a, or ln x is 1 upon x. अब इसमें कुछ कुछ चीज तुम लोग को नहीं पता है, जैसे e क्या होता है, e क्या होता है, जैसे पाई एक नंबर होता है ना वैसे ही e एक नंबर होता है, इसका वैल्यू होता है 2.717, पाई के जैसा ही एक नंबर है, और ए जो है ये ए कोई भी नंबर है, 5, 3, 2, 1, 9 जो भी लेना है वो ले सकते हो। सर ये एलएन क्या होता है? एलएन, हाँ मिताली, एलएन जो है ना, एलएन एलएन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग का यूज देखो, कोई भी नंबर जो है ना जैसे 10 टू द पावर 6 है तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली अगर बेस 10 लेते हैं तो वो 6 हो जाता है, नंबर को छोटा करने के लिए होता है बेसिकली, स्पेस कम ऑक्यूपाई होता है उससे। तो जैसे हम लोग को कंप्यूटर में अगर स्टोरेज के लिए हम लोग को स्पेस देखना है, ये सब चीज देखना है, तो वहां पर हम लोग लॉगरिथम यूज कर सकते हैं ताकि स्पेस कम लगे, कोई भी बड़े नंबर को ये छोटे नंबर में रिड्यूस कर देता है। जैसे साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन है वैसे ही एलएन फंक्शन होता है। अगेन डिटेल्स मैथ्स वाली क्लास में, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है इसमें। मैथ्स में पूरा लॉगरिथम तुम्हारे पास सिलेबस में है। कोई कोई मेडिकल का स्टूडेंट है यहाँ पे? ओके मेडिकल, यस मेडिकल, मेडिकल वालों को मैं पढ़ा दूंगा लॉगरिथम क्या होता है कभी, और जेई एडवांस वाले के तो सिलेबस में ही है लॉगरिथम। उसका फॉर्मूला क्या है लॉग का?
आपने लिखा नहीं। अच्छा लॉग को हम लोग ऐसे लिखते हैं ln डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो हमें याद रखना है दिस इज 1 अपॉन एक्स। अब ln होता क्या है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, पहले ये नोट कर लो फिर बताता हूँ ln होता क्या है। ओके हो गया सबका। अब जो एलन होता क्या है, जैसे अगर मैं एलन लिखाऊं तो दो चीज होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और एक होता है लॉगरिथम। नेचुरल लॉग मतलब ओके सिद्धार्थ आई विल शेयर द स्लाइड्स। नेचुरल लॉग में क्या होता है, जैसे कोई भी लॉग है और बेस अगर इसका ई है, मतलब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू सी, तो इससे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि लॉग log a to the base b is c, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो इससे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, a is equals to b to the power c, a जो होगा वो b to the power c होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ log 100 to the base 10, ये कितना आएगा, हंड्रेड टू द बेस 10, ठीक है दीपेंद्र। नवीन नहीं, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ सॉरी, ये देखो क्या आएगा यहाँ पे, लॉग, हाँ लॉग 100 बेस 10, इसको तुम एक्स मान लो, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, तो बताओ अब एक्स क्या है, अब 100 को लिख दो 100 10 स्क्वायर, कंपेयर करो तो होगा ना, हाँ हाँ सही है, एक्स आ गया 2। सिमिलरली ये बताओ क्या आएगा, लॉग 9 टू द बेस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा,
81 ठीक है बिना सिंपल सा है. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 बाई 2 और दिस इंप्लाइज स्क्वायर कर दो दोनों साइड 81 इज इक्वल्स टू x राइट. और एक क्वेश्चन करना है समझ में आ गया. सर एक और ओके लॉग थ्री फोर्टी थ्री टू द बेस 7 कितना होगा. ठीक है आ जा. ठीक है डिपेंड्स. सही है कौस्तव. सही आ रहा है सबका. ठीक है मिताली. ठीक है सबका सही आ रहा है. ओके एक और कर लो. लॉग 1/8 बेस 4 ये कितना होगा. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं. इसको x मान लो. दिस इंप्लाइज 343 इक्वल्स टू 7 टू द पावर x. 343 को लिख सकते हैं 7 क्यूब इक्वल्स टू 7 टू द पावर x और दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3. हाँ ऐसा क्या है. सिंपल सा इसको y मानो तो क्या लिख सकते हो. 1/8 इक्वल टू 4 टू द पावर y. नहीं आ रहा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 को 2 टू द पावर माइनस 3. नहीं प्रथमेश. 2 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर y. इसको लिख दो 2 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टू द पावर y और दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2y और वो क्या मिल गया 2y is equals to minus 3 और y is equals to minus 3 by 2. Concept wise बस इतना है. उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन है लॉग में. Done? Yes, sir. Okay, next. ठीक है अब लॉगरिथम दो टाइप का होता है. एक होता है नेचुरल लॉग और नॉर्मल लॉगरिथम. नेचुरल लॉग और नॉर्मल लॉगरिथम. इफ बेस इज ई. अगर बेस ई होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग. जैसे लॉग कुछ भी कोई भी नंबर है ए बेस अगर ई है तो ये होगा अपना नेचुरल लॉग. और बाकी कोई भी नंबर हो 5, 1, 3, 9, 67, 1.34 जो भी है कोई भी नंबर हो ये अपना लॉगरिथम में होगा. और इसका जो डिफरेंस इसको हम लोग जब बेस ई होता है ना
तो इसको हम लोग ln लिख देते हैं, log जो होता है वही ln में कन्वर्ट हो जाता है, तो log और ln यहाँ पर सेम चीज है, अगर बेस e होगा तो हम लोग ln बोलेंगे नहीं तो log बोलेंगे। ओके डन सर, आप एग्जांपल दे सकते हो दोनों में, मतलब कैसे लिखता है, लिखते हैं? हाँ, जैसे मान लो log 7 टू द बेस 10 है, तो ये नेचुरल लॉग है, इसका वैल्यू निकालना अभी हम लोग के बियॉन्ड है। लॉग 3 टू द बेस ई, अगर बेस ई है ना तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ln 3, सेम मतलब है दोनों का, दिस इज सेम एज ln 3, अगर बेस ई है तो हम लोग उसको ln लिख देंगे, बस इतना है। ओके प्रथमेश, यस सर। सर आपने आज सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था 9 बजे, क्या वो सीबी कौन सा लेक्चर था? अच्छा वो स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए था। ओके सर, तो फिर आप वापस कब लोगे सर? कौन सा, तुम स्टेट बोर्ड के हो? हाँ सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं आज सुबह उठा ही 10 बजे। ठीक है, तो वो तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। ओके सर। ओके ठीक है सर, तो लीव कर दो, बस इतना ही था ना लॉक का। हाँ। अब ये स्लाइड वापस से याद करो, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, ये वाला पूरा एक बार थोड़ा सा बस याद कर लो, या फिर सामने में देख के अभी तो लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये सबके पास लिखा हुआ है पूरा? यस सर। ओके क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू, डिफ्रेंशिएट एल सिक्स एल एन एक्स प्लस फाइव ई टू द पावर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेवन। क्वेश्चन थ्री, डिफ्रेंशिएट 10 टू द पावर x प्लस cot x माइनस cosec x प्लस sec x, इसका डिफरेंस, इन सब का डिफरेंशिएशन बताना। हो गया, यस सर। तो आंसर मैच करना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x टू द पावर माइनस 3, सही है सबका? पावर एक्स का कुछ नहीं होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेवन का तो जीरो ही हो गया।
ये भी राइट है जी सर. ओके ठीक है नेक्स्ट. अगेन 10 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओके दीपक 10 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये देखो ये कौन सा रूल आया ए टू द पावर एक्स वाला जहां पर ए कुछ भी हो सकता है तो ए को जगह 10 रख दो तो 10 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स ln 10. ठीक है आ रहा तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर एक्स ln 10 10 टू द पावर एक्स ln 10. cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पर पहले से माइनस है तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता था और एक माइनस पहले से है तो प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स क्योंकि ये माइनस पहले से है ध्यान ना. और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है सेक एक्स टेन एक्स राइट. Done? Yes. Okay. Next heading though, composite function. Composite function. ये थोड़ा ध्यान से समझना. Again ये maths का part है. फिजिक्स में बस ऐसे ही बता रहा हूँ. एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. मान लो ऐसा तुमको दिया हुआ है और तुमसे पूछा फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है f of g of x. तुमको ये फाइंड करना होता है तो देखो क्या करना है. हमें f of x पता है sin x, g of x पता है x square. तुमको फाइंड करना है f of g of x. तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर x की जगह इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया गया g of x. इन दोनों रिलेशन में क्या सेम मतलब क्या चेंज है बस x की जगह क्या लिखा हुआ है जी एक्स लिखा हुआ है बाकी सब कुछ सेम है. तो ये क्या होगा अगर लेफ्ट साइड में x की जगह जी एक्स लिखा हुआ है तो राइट साइड में भी x की जगह क्या कर दो जी एक्स पुट कर दो राइट. और जी एक्स क्या है जी एक्स हमें पता है एक्स स्क्वायर. तो f ऑफ g ऑफ x हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. ये फील आया या नहीं फिर से? यस आ गया सबको या नहीं आया? ओके मिताली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये बता दो फिर अगर फील आ गया तो बता दो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा. सर साइन एक्स है. साइन एक्स नहीं होगा साइन एक्स सर एक्स स्क्वायर साइन एक्स नहीं एक्स स्क्वायर साइन एक्स नहीं आ रहा. देखो यहाँ इस बार इससे कंपेयर करो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो तुम एक्स की जगह क्या पुट कर दो एक्स स्क्वायर है ना वो तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर पुट कर दो और एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स है ना तो साइन एक्स का स्क्वायर आ गया. ठीक है
ये समझ में आया? एक दो दो तीन चार क्वेश्चन और करते हैं इस पे और क्लियर होगा। समझ में नहीं आया? आ गया नहीं आया? ओके ऊपर वाला समझ में आया था, ये वाला नहीं? ओके स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था f ऑफ g ऑफ x। ओके सिद्धार्थ, तो देखो इससे कंपेयर करो, हमारे पास x की जगह यहाँ पर x लिखा हुआ था और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, जी एक्स। बस x को मैंने क्या किया, जी एक्स से रिप्लेस कर दिया, बाकी f f सेम ही है। तो राइट साइड में भी साइन तो साइन है, x को क्या पुट कर दिया, x की जगह जी एक्स रिप्लेस किया था तो x को जी एक्स पुट कर दिया और मुझे दिया होगा जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मैं जी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर। अभी ठीक है? सिमिलरली नीचे वाला देखो, नीचे वाले को तुम इससे कंपेयर करो, उधर जी ऑफ एक्स है राइट साइड में, जी ऑफ एक्स है, तो इस बार एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। तो मैं एक्स जो एक्स स्क्वायर है वहां मैं एक्स की जगह क्या लिख दूं, एक्स की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया ये, राइट। अब एफ ऑफ एक्स है मेरा साइन एक्स और इसका स्क्वायर बन गया, सही? ओके सबको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये चारों फाइंड करना है। ठीक है, मिताली सारे का फाइंड कर लो एक बार, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। Thank you.
डन हो गए सारे? ओके एक मिनट और। ठीक है देखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स क्या है पहले वाले का। पहले वाले का देखो मुझे इस एक्स को किससे रिप्लेस करना है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का बात करूं तो मुझे उस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करो और देखो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला ये बन जाएगा। ये फील आया क्या? ये सही है या नहीं? Yes, yes. किसी को इसमें कोई डाउट? ओके नेक्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें मुझे क्या करना है, एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। तो वन अपॉन वन प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, राइट। फिर मुझे इस वाले ये वाले g में x को किससे रिप्लेस करना है, f ऑफ x से। तो साइन ऑफ f ऑफ x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ f ऑफ x की जगह 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और इसमें मुझे क्या करना है, x को g ऑफ x से रिप्लेस करना है। आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, राइट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ओके सबका सही है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट रूल कोसाइन रूल। प्रोडक्ट रूल जैसे मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, एक है जैसे साइन एक्स इंटू एक्स है या साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ऐसा कुछ है,
दो चीज मल्टीप्लाइड है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ये जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, एफ डैश एक्स मतलब वो डिफरेंशिएशन है। तो इसका जो आता है वो होता है पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो, प्लस पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये रूल है तो तुम इसको एज अ रूल याद कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है x साइन x, तो दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक x है और एक साइन x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पहले वाले को तुम डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, साइन x को वैसे ही छोड़ दो, प्लस पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो और साइन x को डिफरेंशिएट करो। हो गया? क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, डिफरेंशिएट ई टू डिफरेंशिएट कोसेक एक्स इनटू ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएट x sorry differentiate t ln t, हो जाएगा तो बताना। यस सर डन डन ओके डन सर। ठीक है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दो, प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स ई टू द पावर एक्स को वैसे ही छोड़ दो, प्लस कोसेक एक्स को वैसे ही छोड़ दो, कोसेक एक्स
और e to the power x को डिफरेंशिएट करो तो e to the power x का तो e to the power x ही दे जाएगा. नेक्स्ट t ln t को डिफरेंशिएट करो, ln t को वैसे ही छोड़ दो, प्लस t को वैसे ही छोड़ दो, ln t को डिफरेंशिएट करो तो यह आ जाएगा ln t plus 1. राइट, सबका सही है? यस. ओके, ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो तीन चीज मल्टीप्लाइड होता तो क्या करते हैं? जस्ट अ मिनट. अगर मतलब तीन फंक्शन मल्टीप्लाइड है, जैसे क्वेश्चन डिफरेंशिएट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर पहले का डिफरेंशिएशन फिर बाकी दोनों को छोड़ देंगे वैसे ही. हाँ ठीक है, कर सकते हो. पहले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर तीसरे को छोड़ देंगे फिर वैसे ही. हाँ एक काम करते हैं, इन दोनों को क्लब कर देते हैं, x sin x को एक साथ मान लेते हैं. तो मुझे क्या करना होगा, पहले का डिफरेंशिएशन x sin x का डिफरेंशिएशन और e टू द पावर x को वैसे ही छोड़ दो, प्लस x sin x को वैसे ही छोड़ दो और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन. ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर मैं x sin x को एक जैसा एक साथ मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं? No, sir. अब देखो x sin x को डिफरेंशिएट करो, तो x को डिफरेंशिएट किया, sin x को वैसे ही छोड़ा, प्लस x को वैसे ही छोड़ा, sin x को डिफरेंशिएट किया इनटू e टू द पावर x, प्लस x sin x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो ये आंसर आ गया sin x e टू द पावर x प्लस x cos x e टू द पावर x प्लस x sin x e टू द पावर x. ये फील आया क्या? क्या किया मैंने? दोनों को एक साथ, या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि x को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, नेक्स्ट x को रहने दो, साइन x को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दो, और थर्ड बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दो और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो भी सही है. राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो. ये समझ में आया ना सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो. अरे कोसेंट रूल. अगेन ये एक रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ऐसा रहा एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ेंगे, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. देखो अभी तक काइंड ऑफ सेम है, बस एक माइनस आया बीच में, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. रूल जैसा याद कर लेंगे इसको. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, तो एक्स को साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, x को वैसे ही छोड़ दो, माइनस
साइन एक्स को लिखो, एक्स को डिफरेंशिएट करो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। सर डन डन ओके। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सर डन ओके। क्या आया, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिना सॉल्व किए आंसर लिख सकते थे क्या? सर tan x का लिख सकते, ये tan x लिखा हुआ है तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो आंसर sec स्क्वायर x आने वाला है। तो एक बार प्रोसेस कर लेते हैं। ओके एक बार प्रोसेस कर लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x को वैसे ही छोड़ दिया माइनस, न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ो, डिनोमेटर का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x अपॉन cos x का स्क्वायर, तो यह जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस अपॉन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अच्छा किसमें कंफ्यूजन है क्या? cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, लेकिन cos x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू cos स्क्वायर x, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके सही है। ओके नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हो जाएगा तो बताना।
Done. तो इसमें क्या करना होगा, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो. ओके, तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो. तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल और इनटू डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ दो, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो ये देखो क्या आ जाएगा, x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 sin x प्लस x को वैसे ही छोड़ो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इनटू ln x माइनस sin x अपॉन ln x का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा आंसर, यही आया सबका. यस सर. ओके, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो चेन रूल. चेन रूल, चेन रूल क्या बताता है, जैसे मान लो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन f ऑफ g ऑफ x है, जैसे हम लोग पढ़े f ऑफ g ऑफ x, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब चीज को वैसे ही छोड़ देंगे, इनटू g को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले सबसे बाहर वाला डिफरेंशिएशन, बाकी सब चीज अंदर वाला वैसे ही रह गया, फिर ये डिफरेंशिएट हो गया तो अंदर जाओ इस ब्रैकेट के, उसको डिफरेंशिएट करो. वही अगर जैसे ऐसा रहता, मतलब तीन चार चीज रहता, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स रहता तो भी सेम तरीका लगता, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही छोड़ते हैं, इनटू नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, यहां तो नोट कर लो, फिर एग्जांपल देखते हैं. अब जैसे मान लो ऐसा है, साइन ऑफ कॉस एक्स, तो देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन के अंदर कॉस एक्स, क्योंकि इन दोनों में तुमको डिफरेंस दिख रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन ऑफ कॉस एक्स, इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना ऊपर नीचे में. इसमें देखो यहां पर एक्स मिसिंग है, साइन के बाद एक्स नहीं है. Yes, sir. तो ये दोनों चीज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन जब ऐसा है साइन ऑफ कॉस एक्स तो ये चेन रूल लगेगा. अब देखो चेन रूल कैसे लगेगा, सबसे पहला फंक्शन में क्या दिख रहा है, साइन, तो साइन को डिफरेंशिएट करो कॉस, बाकी जो भी चीज है उसको वैसे ही छोड़ दो. अब साइन डिफरेंशिएट हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर आओ, कॉस मिला, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर. ये फील आया? आई डोंट थिंक सो. ये समझ में आया क्या? यस सर, समझा. यस सर, यस सर, समझ में आ गया इतने जल्दी? चलो फिर ये लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं. सर एक सेकंड, एक तो यही कर लो. So, tan of
sec of x, tan of sec of x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Done, sir. Tan को differentiate करो, sec square और rest को ऐसे ही छोड़ दो, और फिर sec को differentiate करो into sec x tan x. याद आएगा answer, right? Yes, sir. Okay. Next question. Differentiate sine of cos of tan of x square. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. इसको डिफरेंशिएट करना. Done? Sir, done. Okay, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, कॉस ऑफ टैन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, ये साइन हो गया, नेक्स्ट आओ कॉस को, कॉस को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन टैन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस भी हो गया, नेक्स्ट आओ टैन पे, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, अंदर वाला चीज सेम रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो जाएगा आंसर. ये सारी चीज मल्टीप्लाइड में है, सही है सबका? यस सर, राइट. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? ये x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x नहीं है, साइन x स्क्वायर. डन. Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? साइन. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, या फिर साइन एक्स का होल क्यूब कर लो तो साइन स्क्वायर एक्स अपने आप ही हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसमें देखो, इसमें सबसे पहला फंक्शन तुमको क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? क्यूब. सबसे बाहर में साइन क्यूब, तो पहले क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे. नहीं, पहले क्यूब दिख रहा है ना सबसे बाहर. देखो सबसे बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर. हाँ, ये सर. सेट करो. अब क्यूब हो गया, अब साइन पढ़ाओ, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आएगा आंसर.
सबसे बाहर पावर दिख रहा है राइट याद है किसी को कोई डाउट नेक्स्ट सर ये सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता था साइन टू साइन एक्स इनटू साइन एक्स ला सकते हो सेम आंसर आएगा लगा के देख लो अगर लगा के देखना है तो लगा के देख लेना बाद में ठीक है सेम आंसर आ जाएगा लेकिन टाइम yes, ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट रूल में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल क्यूब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले मुझे कौन सा फंक्शन दिख रहा है इस केस में क्यूब तो ये आ जाएगा थ्री बाकी सब चीज को वैसे ही छोड़ दो टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और पावर स्क्वायर हो जाएगा थ्री माइनस वन अब नेक्स्ट इनटू अब अंदर आ जाओ क्यूब के तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस टू टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ये इंटू बस इसके साथ है सेक स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन इंटू टू एक्स ये हो जाएगा आंसर राइट नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ये सबको समझ में आया ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं सर डिफरेंशिएशन हाँ ये लास्ट में 2x कैसे आया तो तुम टैन को डिफरेंशिएट किया हम लोग टैन को डिफरेंशिएट किए तो sec स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3 आ गया या तो कोई दिक्कत नहीं अब इसके अंदर आओ अब इसके अंदर आओ टेन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ओके समझा ठीक है ओके इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो इसमें क्या करना होगा तुमको e टू द इसको तुम x की जैसा ट्रीट करो साइन x को अभी थोड़ी देर के लिए
तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और फिर उस x का डिफरेंशिएट कर दो into cos x, बस ठीक है। ये जो पावर है उसको तुम थोड़ी देर के लिए x की तरह से ट्रीट करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर उस x को डिफरेंशिएट कर दो, जैसे इस क्वेश्चन में भी सेम e टू द पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x जैसा ट्रीट करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, डन सर। ये क्या आएगा e टू द पावर x स्क्वायर को x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो 2x, राइट? यस सर। ओके लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट e टू द पावर x सेम उसी तरह का कुछ कुछ लगाओ जो पिछले क्वेश्चन में लगाया ना, पिछले दो क्वेश्चन में सेम तरह का कुछ लगा के देखो। देन ओके दीपक जस्ट अ मिनट, बाकी लोग भी कर लेते हैं। डन सर। ओके राज ठीक है। डन सर। ओके ओके ठीक है, चलो देखते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए इन सारी चीजों क्या मान ले, x जैसा ट्रीट कर ले, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x, राइट? अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तब उसका डिफरेंशिएशन के लिए अब क्या करो, इस e टू द पावर x को थोड़ी देर के लिए x जैसा ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, अब फिर उस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एक और बार e टू द पावर x आ जाएगा, ये सबका यही आंसर आया? यस सर, यही। यस सर। ओके फाइन गुड, ठीक है। तो इतना सारा चीज था हम लोग का डिफरेंशिएशन में, इसके अलावा हम लोग का अभी बज रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एज सच अभी तुरंत हम लोग का इसका यूज नहीं है, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आई थिंक नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, उसमें हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में एक चीज हमें जरूरी है, दैट इज इंटीग्रेशन का थोड़ा सा, नेक्स्ट वीक जो नॉर्मल जनरल लेक्चर में हो रहा है उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जरूरत है, इंटीग्रेशन का बेसिक्स, बस बेसिक फॉर्मूला का जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, जहां पर ये c जो होता है ना वो एक कांस्टेंट होता है, एंड इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व, और यहां पर एक x ये ऐसा होता है, एक dx होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, ये मैं तुम लोगों को जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि dx क्यों चाहिए, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे उसके अगले क्लास में, मतलब उसी क्लास में। डन, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या आएगा, टी टू द पावर एन प्लस वन, हाँ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, दैट इज टी क्यूब अपॉन थ्री
प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से कोई और वेरिएबल ले लें जेड क्यूब जेड टू द पावर माइनस फाइव डी टी ये क्या हो जाएगा सर माइनस जेड टू द पावर माइनस फोर अपॉन फोर प्लस सी ठीक है तो याद आएगा जेड टू द पावर माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन प्लस सी तो ये आ गया माइनस जेड टू द पावर माइनस फोर अपॉन फोर प्लस सी अच्छा ये जो हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना इसमें एक कंडीशन है एक कंडीशन क्या है एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन एन माइनस वन नहीं होना चाहिए बिकॉज डिफरेंशिएशन इज जस्ट इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे मान लो अगर ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर माइनस वन डी जेड तो सोचो किस चीज को डिफरेंशिएट किया था तो वन अपॉन जेड आया था किस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन जेड आएगा एल एन जेड तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन जेड प्लस सी एल एन जेड बेसिकली बिल्कुल अपोजिट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ठीक है तो तुम्हारे काम का अभी बस अभी के लिए बस ये वाला चीज आएगा इस चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन वाले में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास रखते हैं नेक्स्ट वीक उसमें बाकी चीज कवर कर लेते हैं ओके आज की क्लास में किसी को कोई डाउट आज की क्लास में कहीं पे किसी को कोई डाउट ओके अभी तुम लोग और कोई क्लास नहीं है ना नो सर ठीक है तो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय बाय थैंक यू सर बाय सर हाँ मेरे को काइनेमेटिक्स का पीडीएफ काइनेमेटिक्स का पीडीएफ हाँ वो एक्सरसाइज वाला एक बार मुझे टेक्स्ट करो ना मैं तुमको भेज देता हूँ हाँ सर ग्रुप ग्रुप पे ठीक है चलो मैं तुमको भेज दे रहा हूँ हाँ सर वो गलती